राम भक्तों का सैकड़ों वर्षों का सपना पूरा हो रहा है और भगवान राम अपने गर्भगृह में अयोध्या में विराजमान हो रहे हैं जिनके दर्शन के लिए लाखों की संख्या में दूर दूर से श्रद्धालु आ रहे हैं। ऐसे में आज हमारी टीम सुल्तानपुर से अयोध्या की तरफ जा रही थी तो हमारे रास्ते में एक बाबा दिखाई दिए, नंगे पैर साइकिल से यात्रा करके आ रहे थे। तो हमारे मन में जिज्ञासा हुई, क्या नाम है, कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं, दादा क्या नाम है? जय श्री राम, जय गौ माता। मेरा नाम भगत दास है, मैं तेलंगाना हैदराबाद से निकला हूँ। मैं राजा सिंह के काउंसिलशिप में लगता हूँ। मैं MP MLA है हमारे साहब, और मैं राम जी का भक्त हूँ, परम भक्त हूँ, हनुमान जी का भक्त हूँ, इसलिए मैं राम लला का दर्शन करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। मैं दर्शन करे बाद में तुरंत यहाँ से रवाना होऊंगा काशी को। कितनी दूर तक अब तक पैदल यात्रा कर चुके हैं आप? साइकिल यात्रा कर रहा हूँ, पैदल यात्रा नहीं कर रहा हूँ। मैं अब तक 1200 किलोमीटर पार हो गया। कहाँ कहाँ पर स्टॉपेज हुआ था? हर 100 किलोमीटर में हर जगह स्टॉप करा, हनुमान जी के मंदिर में सोया और टोल गेटों में सोया, और आगे जाके आज अयोध्या में सोऊंगा, उनका दर्शन कर लेके आराम से जय श्री राम करते हुए आज शांति। रास्ते में आपको कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है, हनुमान जी का आशीर्वाद से, हनुमान जी के आशीर्वाद से मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुआ, और एनर्जी बढ़ते गया क्योंकि हर पल हर मिनट के लिए तरस रहा था अयोध्या के आने के लिए। अभी मैं 60 किलोमीटर के दूरी में हूँ, अभी मेरे लाल राम जी का दर्शन हो जाएंगे। मेरा सौभाग्य की बात है, यहाँ तक आने के लिए मेरा बहुत उत्साह मिला। हर बच्चे का आशीर्वाद है, हर माँ का आशीर्वाद है। जय श्री राम, जय गौ माता। कितने दिन से समय लगा लगभग आपको यहाँ पर? यहाँ पे आने के लिए मेरे को 14 दिन से 16 दिन लग रहा। मैं 4 तारीख को निकला था हैदराबाद से। पूरा देश और पूरा विश्व राम में हो गया है, और ये मैं कह सकती हूँ कि 22 तारीख स्वर्णिम इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा, जिसके लिए 500 साल संघर्ष किया गया, बहुत सारी हमारी सदियों पीढ़ी संघर्ष करते करते बलिदान देते देते वह 22 तारीख का दिन आया है। और मैं कह सकती हूँ 2024 ऐतिहासिक सन माना जाएगा। मैडम, कार सेवक लोग को बुलाया जा रहा है, कुछ सम्मानित किया जाएगा उनको? कुछ कई कार सेवक जो गोली खाए थे, देखिए ये राम जन्मभूमि श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने तय किया है, और शायद कार सेवक होने के नाते मुझे भी निमंत्रण मिला, मंत्री के नाते नहीं, तो मैं भी 21 तारीख को जा रही हूँ। मेरा भी सौभाग्य है रामलला के उस अद्भुत क्षण के दर्शन करने का, जब रामलला अपने गर्भगृह में जा रहे होंगे। मैं पूरे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ, और ये अवसर गंवाना नहीं चाहिए। पूरी से शंकराचार्य बोल रहे हैं नहीं जाएंगे, बोला इनकम्प्लीट मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, इसे जाना सही नहीं। मुझे लग रहा है कि किसी पर मैं टीका टिप्पणी इस आनंद के क्षण में नहीं करना चाहती हूँ। चार देखिए, टाट में थे तब सबको चिंता होनी चाहिए, टाट में कितने वर्ष बैठे रहे रामलला। रामलला जिस विग्रह पर बैठने वाले, वो विग्रह पूरी तरह कम्प्लीट है, जहाँ रामलला का प्रवेश हो रहा है। मुझे लग रहा है कि इस राम जन्मभूमि के लिए शायद जिन लोगों ने बलिदान दिए हैं उनके परिवार वालों को एक तरह से आत्मसंतुष्टि होगी।